हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेफ डिसम्बर चैलेंज 2021 का प्रॉब्लम रॉक पेपर एंड सीजर्स। ये क्वेश्चन डिवीजन 1, 2 एंड 3 तीनों डिवीजन में पूछा गया था। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। सो एज ऑलवेज लेट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन रॉक पेपर सीजर्स। There are n players standing in a line indexed 1 to n from left to right. They all play a game of rock, paper, scissors. क्या बोला गया है कि हमारे पास n players है numbered from 1 to n from left to right. ठीक है, so first player यहाँ पे होगा, फिर second, फिर third, फिर fourth and so on up to nth player. ठीक है, और इनको rock, paper, scissors की game खेलनी है. Okay. Each player has already decided which move they want to play. You are given this info as a string of length n, that is si equal to r if player I will play rock, si equal to s if player I will play scissor, si equal to p if player I will play paper. क्या बोला गया है कि ये जो n players है जिनको rock paper scissors की game खेलनी है, इन्होंने already पहले से decide करके रखा है कि वो कौन सा move करेंगे, either rock or paper or scissor. और ये हमें question में किस form में input में दिया गया है, हमें एक string दी गई है n size की. तो अगर s of i की value r है, मतलब कि आइथ प्लेयर रॉक सिलेक्ट करेगा, एस ऑफ आई की वैल्यू एस है, मतलब कि आइथ प्लेयर सीजर सिलेक्ट करेगा, और अगर एस ऑफ आई की वैल्यू पी है, मतलब आइथ प्लेयर पेपर सिलेक्ट करेगा. ठीक है, लेट डब्ल्यू ऑफ आई जे डिनोट द मूव प्लेड बाय द विनर ऑफ प्लेयर्स आई आई प्लस वन आई प्लस टू अप टू जे कम्पीटिंग इन द ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज फर्स्ट प्लेयर आई एंड आई प्लस वन प्ले अ गेम. द विनर ऑफ दिस गेम प्लेस अगेंस्ट द प्लेयर आई प्लस टू. Winner of second game plays against player I plus 3 and so on up to winner of J minus I minus 1 games plays against player J and the move played by the winner of this game is declared to be WIJ. ठीक है, क्या बोला गया है कि WIJ का मतलब क्या है कि अगर I plus 1 I plus 2 up to J ये सभी players को हम compete करवाए in this order, तो जो फाइनल मूव होगा जो कि इन सब का विनर मूव करेगा नेक्स्ट राउंड में, उसको हम डब्ल्यू ऑफ आई जे से डिनोट करेंगे. और इस इनको हम किस तरह से कम्पीट करवाएंगे, पहले आई और आई प्लस वन कम्पीट करेंगे, इनमें से जो जीतेगा वो आई प्लस टू के साथ कम्पीट करेगा, इनमें से जो जीतेगा वो आई प्लस थ्री के साथ कम्पीट करेगा. ऐसा करते करते आखिर में जो यहाँ पे जीतेगा वो जेथ प्लेयर के साथ कम्पीट करेगा, और इसके सामने जीतने के बाद जो मूव होगा, ठीक है, वो W of I J डिनोट करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर है रॉक रॉक सीजर पेपर रॉक, ठीक है, तो पहले ये दोनों कम्पीट करेंगे. अब रॉक एंड रॉक में कौन विनर हुआ, रॉक, तो आउटपुट क्या आएगा, रॉक. अब ये दोनों कम्पीट करेंगे, रॉक एंड सीजर में कौन जीतेगा, रॉक. सो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा, रॉक. रॉक एंड सीजर में क्या बचेगा, रॉक, फिर पेपर, फिर रॉक. अब रॉक एंड पेपर में कौन जीतेगा, पेपर, सो पेपर रॉक. अब ये दोनों कम्पीट करेंगे, पेपर और रॉक में कौन जीतेगा, पेपर. सो इन सब का जो विनर होगा वो नेक्स्ट मूव में, मतलब कि जे प्लस वंथ मूव में पेपर चूज करेगा, आई मीन उसके पास मूव होगा पेपर. सो इन दिस केस डब्ल्यू ऑफ आई जे इज पी, दैट इज पेपर. ठीक है, सो वही यहाँ पे दिया गया है. If I equal to J, then player I is considered to be winner and W of I comma I is S of I. क्या बोला गया है, W of I comma I is same as S of I. अगर एक ही player है, then we can simply say W of I to I is S of I. Okay. Your task is to find the value of W of I comma N for all I equal to 1 to N. ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें I equal to 1 to N के लिए डब्ल्यू आई कॉमा एन बताना है. ठीक है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू nth प्लेयर है. ठीक है, तो i की वैल्यू 1 रखो, मतलब कि इस सब में जो जीतेगा, अगर हम दो दो प्लेयर को इस तरह से कम्पीट करवाते जाए उस ऑर्डर में, तो इन सब का जो फाइनल मूव होगा, विनिंग मूव जो कि एंड में हमें मिलेगा, वो होगा डब्ल्यू ऑफ 1n, मतलब 1 से लेके n तक अगर हम दो दो प्लेयर को इस तरह से कॉम्पीट करवाते जाए तो आखिर में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो. सिमिलरली W2n क्या होगा,
अगर हम प्लेयर नंबर टू से लेके एन तक के प्लेयर्स को इस स्ट्रिंग की मदद से ऐसे दो दो प्लेयर के टर्म्स में कम्पीट करवा दे जाए, तो एंड में जो आउटपुट मिलेगा, मतलब कि जो लास्ट गेम दो प्लेयर के बीच में प्ले होगी, फॉर एग्जांपल सीजर एंड पेपर, तो उसमें विनर क्या होगा? सीजर। तो सीजर जो एंड में बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली डब्ल्यू ऑफ थ्री एन क्या होगा? प्लेयर नंबर थ्री से लेके एन तक इसी तरह से कम्पीट करवाएंगे, ठीक है, तो जो फाइनल आउटपुट होगा वो, फिर डब्ल्यू ऑफ फोर टू एन प्लेयर नंबर फोर से लेके एन तक कम्पीट करवाएंगे एंड सो ऑन, डब्ल्यू ऑफ एन टू एन मतलब कि लास्ट प्लेयर। तो इन एन आउटपुट्स को हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है। नोट, पर्सन आई वेर आई इज लेस देन जे प्लेस अगेंस्ट पर्सन जे, फिर दो पॉइंट्स दिए गए हैं। इफ एस आई इज नॉट इक्वल टू जे, द विनर इज डिसाइडेड बाय क्लासिकल रूल्स, दैट इज रॉक बीट्स सीजर, सीजर बीट्स पेपर एंड पेपर बीट्स रॉक। इफ एस आई इक्वल टू एस जे, द प्लेयर विथ लोअर इंडेक्स इन दिस केस आई विन्स, ठीक है। क्या बोला गया है कि अगर I और J कम्पीट कर रहे हैं और अगर I की वैल्यू J से कम है, प्लेयर I और प्लेयर J, तो अगर एस आई एस जे के बराबर नहीं है तो क्या होगा? जो कन्वेंशनल क्लासिकल रूल से रॉक पेपर सीजर के वो अप्लाई होंगे, मतलब कि रॉक बीट्स सीजर्स, सीजर बीट्स पेपर एंड पेपर बीट्स रॉक, ठीक है। और अगर ऐसा इक्वल टू एस क्या हुआ, मतलब दोनों रॉक है या दोनों पेपर है या दोनों सीजर है, देन दी प्लेयर विद द लोअर इंडेक्स विंस। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर सेम है, मान लो रॉक एंड रॉक कम्पीट कर रहे हैं, तो हम फर्दर रॉक को ही ले जाएंगे, क्योंकि हमें एंड में क्या आउटपुट होगा, पेपर रॉक या सीजर, वो डिस्प्ले करना है ना कि कौन से इंडेक्स का प्लेयर जीतेगा, ठीक है। फिर इनपुट किस तरह से दिया गया है, पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है n, साइज ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज नंबर ऑफ प्लेयर्स, और फिर है स्ट्रिंग s जो कि सभी प्लेयर के ऑलरेडी डिसाइडेड मूव्स डिनोट करती है, ठीक है। आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, हमें एक स्ट्रिंग दिखानी है ऑफ साइज n जो कि डिनोट करेगी कि अब आई थ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा रॉक पेपर या सीजर, उसका मतलब ये होगा कि आई से लेके एन तक के प्लेयर्स को अगर हम इस तरह से कम्पीट करवाएंगे तो जो फाइनल आउटपुट में बचेगा वो, मतलब कि आर होगा तो रॉक, एस होगा तो सीजर, पी होगा तो पेपर। फॉर एग्जांपल अगर एन की वैल्यू फोर है और हमारा आउटपुट आता है रॉक रॉक सीजर पेपर, इसका मतलब वन से लेके एन तक, वन से लेके फोर तक के प्लेयर्स को अगर हम इस तरह से कम्पीट करवाएंगे तो रॉक आउटपुट आएगा, सेकेंड से लेके लास्ट तक के प्लेयर्स को कम्पीट करवाएंगे तो भी रॉक आउटपुट आएगा, अगर थर्ड एंड फोर्थ प्लेयर को कम्पीट करवाएंगे तो सीजर आउटपुट आएगा, एंड फाइनल प्लेयर अकेले में पेपर आउटपुट आएगा, ये आउटपुट डिनोट करता है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें इनपुट दिया गया है, एन साइज की स्ट्रिंग दी गई है, सभी प्लेयर्स के इनिशियल मूव, और हमें डब्ल्यू ऑफ वन टू एन, टू टू एन, थ्री टू एन, अप टू एन टू एन डिस्प्ले करना है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स भी लिख दिए, टेस्ट केस की वैल्यू 10 की पावर 5 तक है, एन की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 5 तक है, और समेशन ऑफ एन ओवर ऑल दी टेस्ट केसेस फ्रॉम 1 टू एन लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 5 है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो एक तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकती है कि हमें वन से लेके एन तक, फिर टू से लेके एन तक, फिर थ्री से लेके एन तक जो एंड में आउटपुट मिलता है वो चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर i इक्वल टू वन, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, देन फॉर j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, ठीक है। और सभी प्लेयर्स को कम्पीट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर r, p, r, r, f इस तरह से है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इन सबको हम कम्पीट करवाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, रॉक और पेपर में पेपर, फिर पेपर और रॉक में पेपर, पेपर और रॉक में पेपर, पेपर एंड सीजर में क्या आएगा, सीजर। तो अगर हम सबको कम्पीट करवाते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे है एस। फिर अगर सेकेंड से लेके एन तक कम्पीट करवाते हैं तो पेपर विल बीट रॉक, पेपर विल बीट रॉक, क्योंकि इन दोनों का आउटपुट पेपर आएगा, फिर पेपर विल अगेन बीट रॉक, देन पेपर विल बी बीटन बाई सीजर, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, सीजर। इस तरह से हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं इन दो फोर लूप की मदद से, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन लगाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी,
कि इस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी और एन की वैल्यू 5 × 10^5 तक है। जो फर्स्ट टेस्ट सेट है, छोटा डेटा है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो मे बी पास हो जाएगा अगर आप फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ करो, बट डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब इसके एफिशिएंट मेथड के बारे में सोचते हैं। सो अब अगर यहाँ पे एफिशिएंट अप्रोच के बारे में सोचे, तो यहाँ पे एक आप एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि रॉक बिट्स सीजर, सीजर बिट्स पेपर एंड पेपर बिट्स रॉक्स, ठीक है। तो हम एक जनरल केस देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसमें से कुछ डिड्यूस कर पाते हैं कि नहीं। हम अज्यूम करते हैं कि हम आइथ इंडेक्स से लेके एंथ इंडेक्स तक वर्क कर रहे हैं और आइथ इंडेक्स पे रॉक, पेपर या सीजर तीनों में से कोई एक है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आइथ इंडेक्स एंड दिस इज द एंथ इंडेक्स। मान लो यहाँ पे है रॉक। अब I से लेके N तक, मतलब कि W ऑफ I कॉमा N का आंसर क्या होगा, ये हम अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनरल सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो पाती है। हम कुछ डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और फिर इस I को जनरलाइज कर सकते हैं फ्रॉम 1 to N। तो अब एक बात आप समझो, अगर I से लेके N तक में फर्स्ट एलिमेंट रॉक है और अगर रॉक को एंड तक जाना है, मतलब कि रॉक वॉन्ट्स टू बी द विनर ऑफ W ऑफ I N, मतलब कि अगर W ऑफ I N मतलब कि आखिर में जो बचता है वो रॉक होना चाहिए, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है। अब रॉक को कौन बीट करता है, पेपर। तो इसका मतलब यहाँ पूरे रास्ते में पेपर कहीं नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि रॉक कैन रीच ईयर, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे अगर मान लो पेपर नहीं है आई से लेके एन तक, ठीक है, तो रॉक बीच में अगर कहीं रॉक आया तो रॉक एंड रॉक इज अगेन आउटपुट इज रॉक, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और बीच में अगर कहीं सीजर आया तो उसको तो रॉक बीट कर देगा। मतलब कि अगर यहाँ पे इतने में नो पेपर तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, सीधा रॉक हो जाएगा। इसके लिए मतलब कि W ऑफ I N क्या हो जाएगा, रॉक, बिकॉज ये रॉक आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे रॉक है तो रॉक एंड रॉक अगेन रॉक, देन कहीं सीजर आ गई बीच में कहीं भी, देन रॉक एंड सीजर आउटपुट इज रॉक। पेपर कहीं नहीं है मतलब रॉक कभी हारेगा नहीं, सो आउटपुट विल बी रॉक। अगर पेपर है तो क्या होगा, अगर पेपर है तो क्या होगा, मान लो ये है आइथ इंडेक्स, यहाँ पे है रॉक, यहाँ पे है कहीं पे पेपर, ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये है एंथ इंडेक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे इतने में मैं ये कह रहा हूँ कि इस लाइन में सबसे पहला जो पेपर है वो इस इंडेक्स पे है। यहाँ कहीं भी हो सकता है बट यहाँ कहीं पे नहीं है। तो इस लाइन में जो सबसे पहला है पेपर वो यहाँ पे है, इसका मतलब रॉक है वो यहाँ पे क्या होगा, सीजर एंड रॉक्स। तो अगर रॉक होगा तो रॉक ही आउटपुट रहेगा, और अगर सीजर होगा तो रॉक सीजर को बीट कर देगा, आउटपुट रॉक रहेगा। इसका मतलब जब ये इंडेक्स क्रॉस होगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, रॉक ही होगा, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पेपर नहीं है, इसका मतलब रॉक को कोई बीट नहीं करेगा। अब जैसे ही ये रॉक और ये पेपर कंबाइन होंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, पेपर, बिकॉज पेपर बीट्स रॉक, मतलब कि यहाँ पे आउटपुट पेपर आ जाएगा। और ये सब तो अनचेंज्ड ही है ना, अनचेंज्ड इन द सेंस यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स थे रॉक सीजर पे, रॉक एंड सीजर, वो बीट करते करते रॉक यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर रॉक पेपर के सामने हार जाता है तो ये पेपर ही है और ये सब तो अनचेंज्ड है। इसका मतलब अगर ये मान लो इंडेक्स है जे, ठीक है, तो जो W ऑफ जे एन होगा वही W ऑफ आई एन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार और समझ लीजिए अगर कुछ डाउट है तो। यहाँ पे है रॉक, पहला कंडीशन तो हमने ले लिया कि पेपर है ही नहीं इतने में, तो रॉक सीजर को बीट कर देगा और रॉक एंड रॉक होंगे तो अल्टीमेटली रॉक ही आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में रॉक मिल जाएगा, सो इट वुड बी रॉक, ठीक है, इन केस ऑफ नो पेपर, ठीक है। अब अगर पेपर हुआ तो क्या होगा, अब देखो हमने क्या जनरलाइज केस किया कि जेथ इंडेक्स पे पेपर है,
तो अगर आईथ इंडेक्स पे रॉक है और इतने में मतलब जेथ इंडेक्स इज द फर्स्ट इंडेक्स आफ्टर आई जहाँ पे पेपर है, ठीक है, यहाँ भी पेपर हो सकते हैं बट वो हम नहीं सोच रहे. सो रॉक यहाँ इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, रॉक, बिकॉज इतने में कोई पेपर नहीं है. दिस इज द फर्स्ट पेपर आफ्टर इंडेक्स आई. तो यहाँ पे सीजर होगा तो उसको रॉक बीट कर देगा, रॉक होगा तो रॉक एंड रॉक इज रॉक. तो यहाँ पे इतने का आउटपुट जो होगा वो होगा रॉक. अब रॉक जो है वो पेपर के साथ कंबाइन फाइट करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, पेपर, बिकॉज पेपर बीट्स रॉक. तो अब जो बचेगा, अब हमें इतना और ऑपरेट करना है ना, तो अब जो बचेगा वो क्या होगा, दिस इज द सेम एज कंप्यूटिंग डब्ल्यू ऑफ जे टू एन. अगर मैं जे से लेके एन तक के एलिमेंट्स को कंप्यूट कराऊँ दो दो के ऑर्डर में, तो यही आउटपुट मिलेगा जो मुझे इस स्टेप के बाद मिलेगा. इतना क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं पीछे से आंसर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकता हूँ. मतलब कि w ऑफ n n मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा, फिर w ऑफ n माइनस वन n बाद में कैलकुलेट करूँगा, फिर w ऑफ n माइनस टू n उसके बाद कैलकुलेट करूँगा, ठीक है. और आंसर्स को डेफिनेटली हम स्टोर करते जाएंगे. अब हम क्या स्टोर करेंगे कि आखिरी बार रॉक पेपर या सीजर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड आखिरी बार कब हमें मिला था हमारे रास्ते में. इससे क्या होगा, हमारे पास जेथ इंडेक्स स्टोर्ड होगा किसके लिए, पेपर के लिए. पेपर मिला था जेथ इंडेक्स के लिए. और हमने क्या कहा है कि हम इस तरफ मूव हो रहे हैं और हम ये सब कैलकुलेट करके चल रहे हैं. तो इससे क्या होगा, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इसके आगे पेपर है, क्योंकि पेपर का इंडेक्स कुछ होगा. मान लो पेपर को इनिशियली हमने माइनस वन दे दिया, अगर माइनस वन ही है इसका मतलब इसके आगे पेपर नहीं है. लेकिन अगर उसके पास कुछ वैलिड इंडेक्स है इसका मतलब पेपर हमारे रास्ते में कहीं पे विजिट हुआ है, कहीं पे विजिट हुआ है. इसका मतलब रॉक कैनॉट बी द फाइनल आंसर. इसका मतलब जो सबसे एंड में पेपर विजिट हुआ है, मान लो यहाँ कहीं भी हुआ होगा पेपर, लेकिन जो एंड में विजिट हुआ है वो इस रॉक को खा जाएगा, ठीक है. सो अब हम इस तरफ से आंसर कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे सेम पैटर्न मिल जाएगी w ऑफ j टू n के बराबर, सेम टू सेम, क्योंकि रॉक यहाँ पे आएगा पेपर के सामने हार जाएगा और ये फिर सेम टू सेम w ऑफ j कोमा n के बराबर है. लेकिन हम इस तरफ से आंसर कैलकुलेट करके आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर पेपर नहीं है तो रॉक आंसर होगा, अगर पेपर है तो w ऑफ आई एन वुड बी इक्वल टू w ऑफ जे एन, वेयर जे इज द इंडेक्स ऑफ द पेपर विच इज लास्ट विजिटेड वाइल मूविंग फ्रॉम n टू i, ठीक है. और इन आंसर्स को हम स्टोर करते जाएंगे. तो बस हमें दो ही इफ स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे, एक इफ स्टेटमेंट कि अगर r के बराबर है फॉर रॉक, फॉर सीजर एंड फॉर पेपर इट वुड बी डिफरेंट. तो अगर ये पेपर यहाँ पे नहीं है तो आंसर रॉक होगा, और अगर पेपर है देन w ऑफ आई एन इक्वल टू w ऑफ जे एन. तो हम अगर इस तरफ से आंसर यहाँ पे स्टोर करते जाए और मूव करते जाए तो हमें एक फोर लूप में सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे हुई, हम ब्रूट फोर्स में दो फोर लूप लगा रहे थे, मतलब सारे के सारे आंसर्स कैलकुलेट कर रहे थे. यहाँ पे हम पीछे से मूव हो रहे हैं और ये आंसर्स ऑलरेडी स्टोर करके रख रहे हैं. फिर यूजिंग दी प्रॉपर्टीज हमें पता चला कि w ऑफ आई टू एन विल बी सेम एज w ऑफ जे टू एन. तो हम एक ही स्टेप में इसको इसके बराबर कर देंगे. हमने यहाँ पे आंसर्स पहले से स्टोर करके रखे हैं तो उनको हम एक ही स्टेप में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है. अब ये हो गया रॉक के लिए. पेपर के लिए क्या होगा, पेपर के लिए अगर आगे कहीं भी सीजर है तो मान लो जेथ इंडेक्स पे सीजर है तो w ऑफ आई एन वुड बी इक्वल टू w ऑफ जे एन. और अगर सीजर कहीं भी नहीं है इसका मतलब पेपर कभी भी नहीं आएगा इसके बाद, क्योंकि पेपर पेपर विल बी पेपर एंड पेपर एंड रॉक आउटपुट विल बी पेपर. सो उस केस में पेपर आउटपुट हो जाएगा. और सीजर के केस में क्या होगा, अगर आईथ इंडेक्स पे सीजर है तो जेथ इंडेक्स पे अगर रॉक है, मतलब कि इसके आगे कहीं भी रॉक है, तो
डब्ल्यू ऑफ आई एन वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ जे एन, वरना फिर अगर रॉक नहीं है मतलब सिर्फ सीजर और पेपर है देन सीजर सीजर आउटपुट इज सीजर एंड सीजर एंड पेपर सीजर विल बीट द पेपर एंड आउटपुट वुड बी सीजर. ठीक है, सो ये एक फुल लूप में सारे आंसर स्टोर हो जाएंगे, हम पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम एफिशिएंटली कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं क्या प्रॉपर्टी का यूज करके. थोड़ा बहुत अगर डाउट बचाए तो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा. सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा. यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है. न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है. यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे. So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So implementation की बात करें तो हमें efficiently calculate कैसे करने का सोचा है concept में पीछे से आगे की तरफ move करेंगे. तो सबसे पहले तो last visited paper rock और scissor के index भी हमें चाहिए. So paper equal to rock इक्वल टू सीजर, मैं तीन वेरिएबल लेता हूँ और इनिशियली माइनस वन करता हूँ. माइनस वन का मतलब अभी तक वो विजिट नहीं हुए है. ठीक है, और एक आंसर ऑफ एन साइज का एक कैरेक्टर एरे में ले लेता हूँ जिसमें मैं आंसर स्टोर करूँगा. ठीक है, आंसर ऑफ आई वुड बी डब्ल्यू ऑफ आई कॉमा एन. ठीक है, ओके. अब फॉर I equals to n minus 1, I is greater than equal to 0, I minus minus. ठीक है, मान लो हमें जो इनपुट में स्ट्रिंग दी गई है वो है a. ठीक है, सो इफ a of I equals to rock, अगर वो rock के बराबर है तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि अभी तक पेपर विजिट हुआ है कि नहीं. अगर विजिट हुआ है then उस इंडेक्स का जो आंसर होगा जो एंड में पेपर विजिट हुआ है वही इसमें आंसर हो जाएगा क्यू, वो हमने कंसेप्ट में क्लियरली देख लिया. अगर नहीं देन आंसर विल बी रॉक. सो वी कैन से इफ पेपर इक्वल्स टू माइनस वन, मतलब अभी तक पेपर नहीं आया है, देन आंसर ऑफ आई वुड बी सेम एज आर रॉक, एल्स आंसर ऑफ आई वुड बी सेम एज आंसर ऑफ पेपर, जो लास्ट में पेपर विजिट हुआ है वो. और जो रॉक का इंडेक्स है वो हमें अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि रॉक विजिट हुआ है. सो रॉक इज इक्वल्स टू आई, आईथ इंडेक्स पे विजिट हुआ है. ठीक है, ये इफ क्लोज हो जाएगा. फिर एल्स इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू पेपर, तो उस केस में क्या होगा. अब आगे हमें क्या देखना पड़ेगा कि सीजर है कि नहीं, मतलब अभी तक विजिट हुई है कि नहीं, क्योंकि हम पीछे से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. I इक्वल टू एन माइनस वन टू जीरो, इफ सीजर इक्वल्स टू माइनस वन, आंसर ऑफ I इक्वल्स टू पेपर, एल्स आंसर ऑफ I इक्वल्स टू आंसर ऑफ सीजर. ठीक है, एंड पेपर का इंडेक्स अपडेट करना पड़ेगा. सो पेपर इज इक्वल्स टू आई. आई होप ये क्लियर हो गया. पेपर रॉक और सीजर में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, जो राइट हैंड साइड से मूव होते टाइम जो सबसे लास्ट में पेपर सीजर या रॉक हमें मिले होंगे उनके इंडेक्सेस. ठीक है, और एल्स मतलब कि लास्ट पार्ट. अब क्या पेपर और रॉक आ गया मतलब सीजर. सो इफ सीजर को कौन हरा सकता है, रॉक. सो रॉक अगर अभी तक नहीं आया, इफ रॉक इक्वल टू माइनस वन, आंसर ऑफ आई इज सीजर, एल्स आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू आंसर ऑफ रॉक. ठीक है, और अब क्या है, ये सीजर है. सो सीजर इक्वल्स टू आई. ठीक है, ये हमने अपडेट कर दिया और यहाँ पे ये फॉर लूप भी क्लोज हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू जीरो टू n माइनस वन मूव करेंगे और आंसर ऑफ i को प्रिंट करवा देंगे. ठीक है, सो आई होप आपको इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर हो गया. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक n साइज का फॉर लूप रखना है. सिंपली समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस क्या है, लेस देन 5 इंटू 10 की पावर 5. सो वी कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट केसेस इंटू n
बिग ओ ऑफ टेस्ट केसेस इंटू एन, और क्योंकि हमें दिया गया है कि सभी टेस्ट केस में एन का जो सम है ओवर ऑल द टेस्ट केसेस वो लेस देन ये है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू 5 × 10^5, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर ही है। ये बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है, जहाँ पे कि हम एक स्मॉल क्वेश्चंस के मतलब एक सब पार्ट स्टोर कर देते हैं, जिनकी मदद से हम आगे के पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको तीनों पार्ट्स क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।